वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं ये बेल आइकन, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सत्यभामा एवं रुक्मिणी से जुड़ा एक बहुत ही सुंदर प्रेरक प्रसंग है, जो हमें भगवान की पूजा में भावना की महत्ता सोने चांदी आदि से अधिक होती है यह समझाता है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के मन में एक दिन एक विचित्र विचार आया। उन्होंने तय किया कि वह भगवान श्री कृष्ण को अपने गहनों से तौलेंगी। श्री कृष्ण ने जब यह बात सुनी तो बस मुस्कुराए, बोले कुछ नहीं। सत्यभामा ने भगवान को तराजू के पलड़े पर बिठा दिया। दूसरे पलड़े पर वह अपने गहने रखने लगी। भला सत्यभामा के पास गहनों की क्या कमी थी, लेकिन श्री कृष्ण का पलड़ा लगातार भारी ही रहा। अपने सारे गहने रखने के बाद भी भगवान का पलड़ा नहीं उठा तो वह हार कर बैठ गई। तभी रुक्मिणी आ गई। सत्यभामा ने उन्हें सारी बात बताई। रुक्मिणी तुरंत पूजा का सामान उठा लाई। उन्होंने भगवान की पूजा की। जिस पात्र में भगवान का चरणोदक था उसे उठाकर उन्होंने गहनों वाले पलड़े में रख दिया। देखते ही देखते भगवान का पलड़ा हल्का पड़ गया। ढेर सारे गहनों से जो बात नहीं बनी वह चरणोदक के छोटे से पात्र से बन गई। सत्यभामा यह सब आश्चर्य से देखती रही। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। तभी वहाँ नारद मुनिया पहुँचे। उन्होंने समझाया, भगवान की पूजा में महत्व सोने चांदी के गहनों का नहीं, भगवान का होता है और भावना का होता है। रुक्मिणी की भक्ति और प्रेम की भावना भगवान के चरणोदक में समा गई। भक्ति और प्रेम से भारी दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। भगवान की पूजा भक्ति भाव से की जाती है, सोने चांदी से नहीं। पूजा करने का ठीक ढंग भगवान से मिला देता है। सत्यभामा उनकी बात समझ गई। तो दोस्तों, ऐसे ही भगवान के सभी भक्तों को पूजा अर्चना भावना से करनी चाहिए, न कि सोने चांदी से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।